आज के शाम की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही इस छत बगिया में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी इस मॉनसून का काफ़ी लुत्फ ले रहे होंगे और आपके साथ साथ आपकी जो बगिया है, आपके जो पौधे हैं, वो हरे भरे और फूलों से परिपूर्ण हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोरेनिया बहुत ही सुंदर, यदि गॉम्फ्रेना आप देख सकते हैं, बारिश का पानी पकड़ सचमुच अलग ही रंगत इन सभी पुष्पों में, पत्तियों में और पौधों में आ जाती है। और फिर जहाँ गर्मी से ये पौधे बिल्कुल झुलस रहे थे, तो अब इनमें एक अलग ही रंगत आती है। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारी कटिंग्स भी सभी मित्र लगा रहे हैं, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ बातें इस बरसात में ध्यान देने योग्य भी होती हैं कि जैसे जैसे हमारे पौधों की बढ़त होती है, उसी तरीके से हमारे पौधों पर काफ़ी सारी खरपतवार भी उग आती है, तो उन्हें भी मुझे निकालना है। और उसके साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं किसी गमले के नीचे कोई ट्रे, जैसा कि हम गर्मियों में हम ट्रे अपने प्लांटर्स के नीचे रख देते हैं ताकि उसमें पानी स्टोर होता रहे और नीचे से हमारा प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता रहे, तो अब वो ट्रेज हटाने का वक्त है। तो मैंने तो हटा दी है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रही हूँ कि फ्रेंड्स कोई ट्रे पौधों के नीचे ना रह जाए। तो उसके साथ ही काफ़ी, ये देखिए, यूफोर्बिया मिली की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और सभी पौधे यहाँ पर आप देखिए, सिलोसिया, ये सीड्स के द्वारा स्वतः ही जमा हुआ प्लांट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइंथस अभी भी बेहतरीन फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको भी मुझे, इसकी भी मैं कटिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स, और इनको मैं नीचे लेकर चली जाऊंगी, शेड में इसे रखूंगी। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कितना खूबसूरत रंग इसका आया है, ये देखिए, ये पोटुला का है फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत इसकी पत्तियों का कलर है, फूलों से ज़्यादा पत्तियाँ खूबसूरत लग रही हैं। तो बारिश के पानी में यही असर होता है, इतने पोषक तत्वों से भरपूर होता है। देखिए नागचप्पा का, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी खिलने का, तो अभी खिलने लगी है, बहुत ही खूबसूरत। उसके साथ ही फ्रेंड्स कहते हैं कि आजकल बारिश से सकुलेंट्स को बचाना चाहिए, तो मेरे तो ये छत पर ही हैं और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, कटिंग से तैयार मेरा क्रोटोन, और ये देखिए कोलियस मैंने कटिंग लगाई थी, उसके साथ ही यहाँ पर बास्केट प्लांट है। उसके साथ ही फ्रेंड्स टोरेनिया की कटिंग मैंने पहली बार लगाई है, ये देखिए दो कटिंग्स यहाँ पर हैं मेरी। उसके साथ ही मैं आपको और दिखाती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी खरपतवार को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं साथ ये काम कर रही थी तो सोचा थोड़ी सी वीडियो भी मैं शूट कर लेती हूँ। उसके साथ ही देखिए टोरेनिया, ये है, ये है, ये है, ये सभी टोरेनिया, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी टोरेनिया मैंने लगाई हैं, ये देखिए। तो उसके साथ ही ये देखिए, ये भी टोरेनिया है। उसके साथ ही कलांचो, तो कलांचो का भी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसे आप फ्रेंड्स बारिश के पानी से बचाएं। एक आध दिन की बारिश के पानी से कोई बात नहीं, लेकिन उससे अधिक अगर इस पर पानी गिरता रहा तो इसकी पत्तियां, जैसा कि सकुलेंट प्लांट है, पत्तियों में ऑलरेडी इसमें पानी होता है, तो उससे ये ख़राब होने का पूरे के पूरे चांसेस है, इसीलिए इसे थोड़ा शेड में आप रखें। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर पेंटास है, तो पेंटास की भी फ्रेंड्स मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं, दो कटिंग्स मैंने लगाई हैं, दोनों के दोनों चल चुकी हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स फिर से कहूँगी कि नीचे जितना सारा ये खरपतवार पड़ा है उसको इग्नोर करें आप, काफ़ी गंदा मेरा गार्डन हो रखा है, और बारिश ऐसे हो रही है तो सफाई करने का भी बिल्कुल नहीं हो पाता फ्रेंड्स, गीले में कैसे हम झाड़ू करें। उसके साथ यहाँ पर देखिए अल्टरनेंथ्रा की लीव कितनी खूबसूरत, उसके साथ फ्रेंड्स आप ध्यान दें कि आपका कोई प्लांटर में पानी रुका ना रहे। तो फ्रेंड्स ये रूट बाउंड ज़रूर हो गया है, पौधा दो वर्षों से इसी पर लगा है, तो इसमें पानी भर गया है, और आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं, अलमंडा है ये, बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए कितने सारे फूल, तो बारिश का पानी पाते ही इतने सारे फूल इसमें खिल आए हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसके बाद में इसका पानी गिरा करके इसके होस को मैं चेक करूँगी, तो आप भी बिल्कुल ये ध्यान अवश्य रखें कि किसी प्लांटर में आपके पानी ठहरा ना रहे, उससे पौधे के गलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं।
इसके साथी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा खूबसूरत सा कोलियस का रंग बिरंगा ये कलेक्शन है। और यहाँ देखिए इस तरीके से पिंचिंग अगर हम इसमें करते रहेंगे तो बहुत सारी ये देखिए इस तरीके से शूट्स निकलते हैं और बहुत सारी लीव्स, जिससे कि ये काफ़ी बुशी प्लांट्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे कोलियस कलेक्शन, जो कि बिल्कुल फूलों की कमी हमें महसूस होने नहीं देता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं लगता देख के कि फूलों की आपको ज़रूरत भी होगी। तो ये एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स, एक बार फ्रेंड्स आप इसकी वैरायटी को कहीं कटिंग के द्वारा या नर्सरी में, हमारे यहाँ तो इतना महंगा भी ये नहीं मिलता है, हाँ 40-50 रुपए का प्लांट्स की जो वैरायटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है फ्रेंड्स, तो जो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो वो तो इजीली 20 रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन थोड़ा जो अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन उसकी लीव्स में होता है, डिफरेंट प्लांट होता है, तो वो वैरायटी थोड़ा सा 50 रुपए तक मिलती है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से प्लांट की पत्तियों में वेरिएशन होता है, जो प्लांट इजीली अवेलेबल नहीं होता वो 50 रुपए तक मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मैंने 4-5 प्लांट्स एक साथ लगाए हैं। तो इस तरीके से भी आप प्लांट लगा सकते हैं, इस कोलियस के एक साथ 4-5 प्लांट्स लगा करके भी आप एक कलरफुल प्लांटर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये लगता है। तो ये मैंने कटिंग से कुछ रेडी किए थे, कुछ मेरे प्लांट्स ये स्वतः ही बीजों के माध्यम से उगे हैं। तो इस तरीके से मेरा ये सारा कोलियस कलेक्शन, ये वाली वैरायटी जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है ये वाली कोलियस की। और फ्रेंड्स साथ के साथ आप ये देख सकते हैं इस तरीके से सूखी हुई पत्तियों को और सूखे हुए फूलों को भी आपको समय समय पर देख करके आजकल हटाते रहना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप ये सूखे हुए फूलों को, ये देखिए सारा का सारा मैं यही सब कुछ काम कर रही हूँ, उसके साथ ही अभी बहुत सारा काम मेरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस रोज पोर्चुलाका के प्लांटर्स में इतनी सारी ये खरपतवार हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पता नहीं फ्रेंड्स कौन सा प्लांट है, मैं इसे कहीं से ऐसे रोड साइड से लेकर आई थी, मैंने सोचा ये बेबी टीयर्स है, लग तो ये उसी तरीके का रहा है, लेकिन मैंने बेबी टीयर्स फर्स्ट टाइम मैंने परसों नर्सरी में देखा, वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स मोगरा में आप देख सकते हैं, मोगरा की फ्लावरिंग खत्म होने के बाद मैंने इसकी हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी थी। तो इसमें फ्रेंड्स फिर से न्यू शूट्स आ रही हैं, उसमें कलियां भी बनने लगी हैं। ये देखिए वाइन वाला अलमंडा है येल्लो, उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एक और कोलियस का प्लांट है, जो कि लगभग 4-5 महीने से इसी प्लांटर में इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरत काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो गया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स मेरे काफ़ी हेल्दी और ये अभी भी ग्रीन नेट के नीचे हैं। ग्रीन नेट फ्रेंड्स मैंने चेंज नहीं किया, अभी फ़िलहाल वही मेरी है। उसके साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जेरेनियम में आप देखिए, मैंने आपके साथ ही इसमें कटिंग्स लगाई थी, तो कटिंग्स में भी देखिए इस तरीके से इतनी खूबसूरत ग्रोथ आ गई है। तो बारिश के मौसम में यही होता है, आप बारिश के समय आप कैसे भी प्लांट्स आप कटिंग्स ला करके लगाएं, सभी फ्रेंड्स बहुत इजीली ग्रोथ उनकी हो जाती है। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं कुछ चेंज मैं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर आप देखिए डहलिया मेरा अभी भी खिल रहा है, हालांकि फूल का आकार थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी खिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ब्लीडिंग हार्ट, तो काफ़ी लंबे समय से ये खिल रहा है, लगभग 2 महीने से अधिक समय इसको हो गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं उसमें एक बात ये भी है कि हम अपने प्लांट्स की सड़ी गली सूखी हुई पत्तियों को समय समय पर हटाते रहें, पौधे से अलग करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि ये पौधे में पड़ी रह करके, प्लांटर में पड़ी रह करके वहाँ पर ये मॉइस्चर पाती हैं, क्योंकि बारिश होती है वहाँ पर गीली होती है और सड़ने से हमारे पौधे को इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो कुछ भी मल्चिंग हमने अपने प्लांटर में की थी अभी तक गर्मी से बचने के लिए, वो सभी हमें मल्चिंग भी हटा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये विनका का एक वेरिएटेड वैरायटी है। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्ट आपका रेन वाटर पा करके ये फंगस से ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, ये इतनी जल्दी पौधा ये डाई हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पौधे को आप थोड़ा सा शेड में रखें, उसके साथ ही उसके कुछ कटिंग्स भी आप लगा लें कि वो पौधा अगर मरे भी तो नई प्लांट्स फ्रेंड्स तैयार कर सके। उसके साथ ही फ्रेंड्स कोलियस का ये एक मैंने कटिंग से तैयारी प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिससे कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं,
तो मैं साथ के साथ काम के साथ साथ पिंचिंग भी इसकी करती जा रही हूँ, क्योंकि पिंचिंग करने से ही ये कितना देखिए बुशी सा ये हो गया है। तो इनमें से कुछ ग्रीन वाली वैरायटी में यहाँ पर से निकाल करके ये भी मैंने कटिंग ही लगाई थी, आपको मैंने पहले भी वीडियो में ये शो की है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से निकाल करके, और अभी देखिए कोई टूल की भी ज़रूरत नहीं, मिट्टी में इतना मॉइस्चर है कि इजीली ये कटिंग्स बिल्कुल प्लांट्स इस तरीके से निकल रहे हैं। तो ये दो कटिंग्स ले करके मैं इस प्लांटर में इस प्लांट के साथ मैं कोलियस के साथ ऐड इसे कर दूंगी। आप देख सकते हैं अगर इसको मैं इस तरीके से लगा दूँ तो कितना खूबसूरत ये लगेगा। ये देख सकते हैं आप पीछे इस तरीके से, और आगे देखिए ग्रीन वैरायटी, तो इसको भी मैं लगा लेती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स इससे ये देखिए खरपतवार कितनी सारी इस हमारे प्लांटर्स में उगाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स प्लांट्स की हमारी ग्रोथ होती है उसी तरीके से ये फालतू जमने वाली जो खरपतवार होती है इसकी भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स इन्हें भी हमें समय समय पर निकालते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें देखिए, ये देखिए मिली बग का अटैक इसमें हो गया है। तो इस ब्रांच को मैं यहाँ से हटा दूँगी, उसके साथ ही मैं पूरे पौधे को चेक करूँगी, उसके साथ ही कुछ हेल्दी ब्रांचेस में से निकाल करके मैं नए प्लांट्स में रेडी करूँगी। तो ये देखिए चलिए निकाल लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स टिप की आप कटिंग ले करके आप विनका की कोई भी वेराइटी, चाहे देसी हो, वैसे तो सीड्स से ये हो जाती है लेकिन मेरा ये प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसके साथ ही मैं इसे सेव कर सकूँ, तो उसके लिए मैं इसकी 4-5 कटिंग्स लेकर के मैं लगा लेती हूँ ताकि ये पौधा मेरे पास आगे के लिए बच जाए। अगर ये ना भी बचे तो वैसे तो इसे उठा करके मैं नीचे ले जाऊँगी। इसके ऐसा थे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके 4-5 कटिंग्स मैंने ले ली हैं। तो इस तरीके से कटिंग्स ले करके इसके नीचे की पत्तियों को रिमूव करके मैं इन्हें लगा दूंगी। ऊपर से देखिए इस तरीके से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अपने आप ही मैं इसे शूट भी कर रही हूँ वीडियो को, तो एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है देखिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऊपर जो फ्लावर इसमें बर्ड बनी हुई है वहाँ से भी मैं इसे पिंच कर दूंगी, उसके बाद मैं इसे सारी की सारी कटिंग्स को मैं लगा दूंगी। इसके ऐसा थे फ्रेंड्स, गर्मियों से बचाने के लिए अपने प्लांट्स को आपने काफ़ी नज़दीक जिन प्लांटर्स को आपने रखा हुआ था उन्हें आप थोड़ा सा स्पेस आप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने भी कोलियस को काफ़ी सटा के रखा था, उसके साथ ही मैंने इन्हें आप थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया है ताकि फ्रेंड्स आपके जो भी प्लांटर्स हैं उनके बीच में से हवा का आवागमन हो सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लांटर्स को अपने थोड़ा सा स्पेस देना होगा कि हवा आर पार जा सके और आपके प्लांटर्स में, आपके प्लांट्स में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा देर तक ना रहे। तो फ्रेंड्स ये थे सारे के सारे पॉइंट्स जो आजकल हमें बरसात में अपने पौधों को बचाने के लिए हमें ध्यान देने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप सभी इस मॉनसून को एंजॉय कीजिए। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे मैं पुनः मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।